आपसे तो पहले ही क्षमा प्रार्थना की। हाँ हाँ मैं चोर हूं, मुजरिम हूं, कातिल हूं, शर्म की दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। मैं जानता हूं आशा कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, पर कोई चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता, और कोई तवायफ जानबूझ के अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात उसे मजबूर कर देते हैं बुरा काम करने पर। जाना चाहती हूं मैं चोर क्यों बना, किसने बना, किसने बनाया मुझे, आगे डायलॉग नहीं कहूंगा। राजा बाबू अठा सावन देखिए, अभी तक मैं तमीज में सफारी और सब, और ये कह रहे हैं कि अठा सावन की घटा, परंतु हाँ अच्छा ठीक है भाई, कहता हूं फिर क्षमा प्रार्थना है। अठा सावन की घटा खा को जाओ, बत्ती बुझा के सो जागा, मिंडल में पिंडू ले, पंडी में खड़ी ले, इंटी बजा के बार बार घंटी गुल्ला घुमा के बच्चे को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले छाला बन गया। हो गया, दो डायलॉग कह दिए, सरकाई लो, अरे सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, हा सरकाई लो खटिया, सर काइलो खटिया जाड़ा लगे, अजाड़े में बलमा प्यारा लगे, मुख सकाइलो तकिया जाड़ा लगे, अंगना में बाबा दुआरे पे मां, अरे कैसे आए गोरी हम तोहरे घर मां, अरे खेत गए बाबा बाजार गए लमा, अकेली हूँ घर मा तू आई जवाल मा। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ये गोविंदा का वाला काम हुआ, न भूतों न भविष्य थे, साथ में गुरु जी बैठे हुए हैं, और किसी डिस्को में जाए प्रणाम करता हूं। अच्छा भैया मैं यहाँ पर आया था, मैंने ये सोचा कि राजा भैया जो है यहाँ पे कमाल कर रहे हैं,
और साथ इनका सभी फिल्मी कलाकार मिलकर दें ताकि ये और आगे निकले। महाराजा, राजा जी, राजा बाबू, परंतु यहाँ पे जो राजा है, हर क्रिया, हर कला, हर कल्पना वही सब कह दिया करती। वो किसी शब्द की या किसी वाक्य की या किसी कहावत की या किसी कविता की वो कभी मोहताज नहीं होती, वो सब कह दिया करती। ऐसे में मैं जो हूँ, मैं फिल्म लाइन में आ गया, मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी साध्वी थी, उन्होंने गायत्री सिद्ध की हुई थी, मैं 14 वर्ष से 21 वर्ष 24 लाख गायत्री किया हुआ, 52 लाख महामृत्युंजय किया हुआ, कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊंगा, परंतु मेरे साथ सदैव ऐसा ही हुआ है। जो आप नहीं सोचे हुए होते हैं वही गोविंदा के साथ हुआ करता, क्योंकि अभी देखिए मैं आया तो मैंने सोचा था कि बहुत सम्मान होगा, परंतु मेरे हाथों से आप लोगों का सम्मान कराया गया। ये शुभ है, मुझे आप मेरे ज्यादा अपने लग रहे हैं। जो क्रिया हुआ करती है, जहां हुआ करती है, ये मेरे बचपन से ही मुझे ये आदत पड़ गई है। मैं इतना घुस के देखने लगता हूं कि हो क्या रहा है, वो जिसे कहते हैं कि लेकर भेस फकीरों का तमाशा कदम देखते हैं, और जो आप लोग समझ पाते हैं, जो देख पाते हैं, जो देखने से पहले आप लोग देख लिया करते हैं, जिसका पूर्वाभास आप लोग को हो जाता है, वो सब कृपाएं मैं बहुत छोटी आयु में मैं देख पाया। आज सभी माताओं के मैं प्रणाम करता हूं, जो कृपा के वजह से हम लोग, ये पूरी दुनिया ये सोच में लगी हुई है कि भाई क्या क्या हम लोग वास्तु करके बैठे हैं और पता नहीं क्या 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 प्रयोग हो गए हैं। जो लोग नहीं सोच पाते शायद ही वो कल्पना वहां पे पहुंचे, वहां माए पहुंचा करती है, इसीलिए ये सिनेमा है जिस पे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चलना चाह रहे हैं, चाहते हैं हम राजा हो जाए। ये धरती माँ है जिसके आश्रम में, जिसकी कृपा में, जिसके पुण्य प्रताप से ये पूरी दुनिया चल रही है, ये हरी हुई है, ये हम क्या क्या कर पा रहे हैं, ये आसमां है। कई माए इकट्ठा हुई है तो जाके ये क्रियाएं हुई है। मैं वो धन्यवाद देता हूं हर उस व्यक्ति का, उस विशेष व्यक्तियों का जिनके वजह से लोग समझ पाते हैं कि इज्जत, दौलत और शोहरत ये हर किसी के नहीं मिलती, और जिसे मिल जाए उसके बावजूद ऐसे प्रेम से और सच्चाई और अच्छाई के साथ अपनी उपस्थिति दे, ये बहुत कमाल है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों का सम्मान कर पाया यहां पे आके। और आप सोच भी नहीं सकते मैं कहां कहां देखा करता हूं, क्यों कि कैसे निकलेंगे, क्या क्रिया करेंगे, किस फिल्म में डायलॉग कब नाक से कह देंगे, किस फिल्म में कैसे क्या क्या गाने डाल देंगे, तो हम चार कदम आगे निकल पाए। ये शुरुआत से ही रहा है, क्योंकि हमें तो कभी परोस के मिला नहीं, हमें जो मिला उसमें हम कैसे कमाल अपना दिखा सकते हैं, यही सदैव क्रिया रही है। जो राजा जी कह रहे थे डायलॉग, गाना, डांस ये सब कर पा रहे हैं, वो सब आप ही लोगों की कृपा है। मैं धन्यवाद देता हूं राजा का कि आप लोग यहां पे अच्छे काम होते हैं तो पता नहीं कहां का कीड़े पड़ी पड़ जाते। जो लोग आर्ट एंड कल्चर से जुड़ जाते हैं, मैं ये कह रहा हूं
कि उस आदमी का कभी भी किसी भी हाल में अमंगल नहीं हो सकता जो आर्ट एंड कल्चर से सही रीत से जुड़ जाए, और आर्ट एंड कल्चर से जो जुड़ जाए, चाहे वो फिल्मों के गाने के माध्यम से जुड़े, चाहे राइटिंग के, चाहे वो एक्टिंग के, वो सिनेमा में एक साथ नजर आता है। ये सिनेमा ही है जहां पे ये सब एक साथ नजर आता है, एक साथ दिखाई देता है। समझ में आता है कि ये देश, ये राज्य, ये जगह, ये कस्बा, मैं आपकी क्षमा प्रार्थना करके डायलॉग कहता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति में मैं कभी डायलॉग बोलता नहीं, मैं उस तरफ चला जाता हूं, है ना। हाँ, यहाँ डायलॉग कह सकता हूँ ना। सॉरी फिल्म का, अरे यार वो ट्रेनिटी डायलॉग क्यों करवाना था। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा कह देता हूँ मैं, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। चार चार साल से यहाँ पर मौजूद है, आपकी मौजूदगी से मुझे पहले ही क्षमा प्रार्थना मांग लेता हूँ। डियर साहब, क्षमा प्रार्थना। भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, पीएचडी आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी सागर रोड। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के फेसबुक पेज को।